अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास। सो आज आप हैप्पी न्यूज़ इज़ के लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं जो आपको दिए गए थे। उसके आई होप के आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। तो टाइम शॉर्ट होता जा रहा है, एज सून एज यू आर जस्ट हैविंग सम प्रॉब्लम लाइक यू आर नॉट डूइंग समथिंग वेल ड्यूरिंग दिस टाइम, सो इट माइट बी बर्डनड well you are doing something practically in the classroom, so try to memorize as soon as possible before opening the school. That would help you in the test or exam, whatever they hold or they make you give to solve the things. So okay, कुछ सवालात हमने हल कर लिए थे, यानी इसका लेक्चर हो चुका था। आई एम जस्ट स्टार्टिंग मे बी आफ्टर fifth question from fifth. So okay, there are many things we have already learned through longer questions. जितने भी सवालात अभी तक आपने पढ़े हैं long question की शक्ल में, बहुत सारे आपको यहाँ से खुद ही याद हो जाएंगे, क्योंकि वही चीज़ें briefly यहाँ mention की हैं short questions में। तो ये भी एक वैसे भी आप तरीका याद रख लें कि long question पहले अगर करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली उसी के अंदर से आपको आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही याद हो जाएंगे। नहीं याद हो रहे लेट्स सपोज, तो एटलीस्ट 50% आइडिया आपको मिल जाएगा कि याद है आपको। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर जो है, होता क्या है ये। Most of the volcanoes of the world are found in the surrounding areas of the Pacific Ocean. This portion is actually known as Ring of Fire. Most of the volcanoes, ये जितने भी आतिशबाजी पहाड़ हैं दुनिया में, are found in the surrounding areas of Pacific Ocean. वो ज़्यादातर जो कहाँ पाए जाते हैं, Pacific Ocean के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। और दिस पोर्शन, यानी जिस ये जो हिस्सा है ज़मीन का, ये वाला हिस्सा, ये पैसिफिक ओशन के इर्द गिर्द वाला जो एरिया है, उसे ही रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आदि फिशा पहाड़ का एक्टिविटी आग से ताल्लुक़ रखती है। उसके अंदर जो आग जल रही है बरसों से, उसको उसकी वजह से उसका रिंग ऑफ फायर कर दिया है, क्योंकि ये सारा सराउंडिंग है, एक सर्कल की शक्ल में बन जाता है एरिया, तो इसलिए रिंग के सेंस में उसको बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ क्रस्ट। ये आप लॉ क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं, क्रस्ट किसे कहते हैं। द अपर सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नोन एज क्रस्ट एंड इट्स थिकनेस इज 8 to 40 kilometers। सो ऊपर वाला जो हिस्सा है क्रस्ट, यानी जो ज़मीन का जिस पे हम खड़े होते हैं, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। और इसकी जो मोटाई है, बाकी जितने भी हिस्से हैं, नीचे 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 जितने हिस्से बन रहे हैं उसके, तो हर एक हिस्से की मोटाई, जो पहला हिस्सा है उसकी मोटाई जो है 8 से 40 किलोमीटर तक जाती है। यानी नीचे अगर आप 8 से 40 किलोमीटर जाएं, तो पहला हिस्सा वहां तक चल रहा है। ये ज़मीन की कुदरती टेक्सचर है। नंबर 7 पे आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट आर फॉल्ट्स। ये फॉल्ट्स क्या होते हैं, जो हमारी अपनी सोशल लाइफ में जो फॉल्ट्स हैं वो तो आपको पता है, गलतियाँ, कमी होना, कोई नुक्स पाया जाना वगैरह वगैरह। लेकिन ज़मीन के हवाले से ये बात हो रही है, जियोग्राफी के हवाले से बात हो रही है, तो उसमें क्या है जी, बिग क्रैक्स एंड स्पेसेस इन अर्थ आर नोन एज फॉल्ट्स। ज़मीन के ऊपर जो बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, ज़मीन टूट जाती है, फट जाती है, ये सारी जो शक्ल अपेयरेंस होती है, जाहिर होती है, आप ऑब्ज़र्व करते हैं, उसी को क्रैक्स कह देते हैं। और लेकिन उसका जो टेक्निकल नाम है ज्योग्राफी के लिहाज से, वो है फॉल्ट्स। तो ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आपने याद रखना है, ये आ जाते हैं इस तरह के सवाल। व्हाट इज़ फॉल्ट जोन एंड फॉल्ट लाइन। फॉल्ट जोन क्या होता है और फॉल्ट लाइन क्या होगा। फॉल्ट फॉर्मिंग एरिया इज़ नोन एज फॉल्ट जोन। जहाँ पर फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं या होते हैं या होंगे, वो सारे इलाके फॉल्ट जोन कहलाते हैं। जोन का अपना मतलब एरिया होता है। एंड क्रैक इन फॉल्ट जोन, और उस जोन के अंदर जो क्रैक्स पड़ते हैं, यानी दरारें पड़ती हैं, ज़मीन फटी हुई नज़र आती है, जिस तरह जलजले के बाद आपको नज़र आती है,
उसे हम कहते हैं फॉल्ट लाइन। तो वो जो एरिया है जहाँ पर ये फॉल्ट पड़ते हैं, उस एरिए को, चाहे वहाँ पर दरार हो या ना हो, लेकिन वो उस एरिए को आप फॉल्ट जोन कहेंगे। और अगर वहाँ वो क्रैक्स आ जाएं, तो वहाँ पर उसे आप कह देते हैं फॉल्ट लाइन आ गई है। तो ये टेक्निकली ज़हनी तौर पर इसे याद रखें। वो इस सिज्मोग्राफ, सिज्मोग्राफ क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक्स इंटेंसिटी इज कॉल्ड सिज्मोग्राफ। असल में वो ज़मीन जलजले को जो पैमाइश करने का जो आला है, उसे सिज्मोग्राफ कहते हैं। और व्हाट इज़ रेक्टर स्केल? ये रेक्टर स्केल भी एक इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है। तो आप दोनों याद रख लें कि सिज्मोग्राफ और रेक्टर स्केल, ये दोनों जलजले की पैमाइश करने के इस्तेमाल में आते हैं। लेकिन पैमाइश से मुराद क्या है, किस तरह क्या होता है? ये असल में आलात जो हैं उसकी शिद्दत को मेजर करते हैं कि कितने फोर्स से जलजला आया है। जिस तरह अक्सर आप सुनते हैं जलजला आ गया, 6.5 आ गया, 6 आ गया, यानी उसका रेक्टर स्केल पर जो लेवल है वो 6 है। ये असल में जो लेवल्स को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं रेक्टर स्केल या सिज्मोग्राफ। दोनों में से कोई आ जाए तो एक ही काम है उसका। तो ये शिद्दत महसूस करता है रेक्टर स्केल पे। तो ये आप सवालात, सारे सवाल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आसान से हैं, आपको पहले याद हो चुके होंगे। जिन बच्चों ने वीडियोस देख ली हैं, समझ ली हैं, उनको तो ये वैसे ही याद हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी, इट इज़ वेरी टफ टाइम टू देम, कि उनको मुश्किल हो जाएगा लॉन्ग भी याद करें शॉर्ट भी। लेकिन फिर मेरा उनको यही मशवरा है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन याद कीजिए और ये शॉर्ट क्वेश्चन फिर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।